लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब बोलो, उस यूनियन लीडर का तुम लोगों ने खून किया या नहीं? नहीं क्या? खून तुम लोगों ने ही किया है और तुम लोगों को कबूल करना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर, अब इनका पांचवा साथी आया है। तुम हो इस खतरनाक गैंग के लीडर। अगर आपकी नजर में यह गैंग है तो इसका लीडर मैं ही हूं, मगर यह खतरनाक नहीं है एसपी साहब, मजबूर और बेसहारा गैंग है। अच्छा, तो मजबूरी और लाचारी इस हद तक बढ़ गई थी कि तुम लोगों को उस यूनियन लीडर का खून करना पड़ा? खून? आपका कसूर नहीं है, पुलिस वाले हो ना, ऐसे ही बात करोगे? अभी तक तुमने सिर्फ पुलिस वालों की बातें सुनी है, लगता है कभी मार नहीं खाई। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप शराफत से अपना जुर्म कबूल कर लो। जिद जबरदस्ती करोगे तो मैं कबूल कर लूंगा, मगर अदालत में यह साबित कर दूंगा कि हम पांच नहीं छह आदमी थे और छह नंबर के तुम हो। आखिर कब तक आप हमारी आवाज को यूं ही दबाते रहेंगे? यूनियन लीडर दिलीप सावंत के कातिलों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? एक मिनट, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, कातिल पकड़े जा चुके और अंदर कार्रवाई जारी है। इन कातिलों को पकड़ा है आपने? उन चार बेरोजगार गरीब नौजवानों को जिनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो बेरोजगार है? क्या पकते हो? पक नहीं रहा हूं एसपी साहब, बल्कि वो सच्चाई बता रहा हूं जिस पे आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सारा शहर जानता है कि ये वहशियाना कत्ल तेजपाल और उसके भाई नागपाल ने किया है। मेरे पास सबूत भी मौजूद है। अगर आपने उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया तो कल वो सारे सबूत मैं अखबार में छाप दूंगा, समझे आप? शाबाश मिस्टर अनीस, आप जैसे सच्चे और ईमानदार जर्नलिस्टों की इस देश को सख्त जरूरत है, जो दरिंदों के चेहरों से नकाब उठाकर उनके असली रूप जनता को दिखा सके। मिस्टर सक्सेना, एक बात याद रखना, ये वर्दी तुम लोगों को जनता की हिफाजत के लिए दी जाती है, उनकी टांगें तोड़ने के लिए नहीं। चलो रे। कलम का बहुत बड़ा सिपाही है तू, बता वो सबूत कहाँ है? ओहो, मुन्ना क्यों मारता है इस बेचारे को? अरे सबूत तब तक जरूरी है जब तक ये जिंदा है, जब यही नहीं रहेगा तो सबूत अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जिंदगी और मौत इंसान के नहीं खुदा के हाथों में है। हाँ हाँ, जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में होगी, मगर मौत का डिपार्टमेंट हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। मुन्ना, अब तक तो तुम समझ गए होंगे कि हम लोग यमदूत से थोड़े ज्यादा हैं, भगवान से थोड़े कम। नहीं तेजपाल, तुम लोग कुत्तों से थोड़े ज्यादा हो, सुअर से थोड़े और ज्यादा।
रहा आपका हिस्सा। दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो हुजूर। पहले स्टील की थाली मिलती थी और अब चांदी की मिलने लगी है। आगे आगे देखती जाओ चंदा, मैं कितनी तरक्की करता हूँ। एक दिन मैं तुम लोगों से सोने की थाली भी लूंगा। इधर इधर, सीटी मैंने ही बजाई है। आपने? ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है बालके, मैं और मेरा पोता बिल्कुल एक जैसे हैं ना? जी बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा ये बता, मेरा पोता लगता कैसा है तुझे? इसमें शर्माने की बात क्या है, वो तुझे पसंद है? पसंद है? अरे जब वो हाथ दिखा के कहता है ना, ये हाथ देखा है कितना रफ है, एक रफाड़ा मारूंगा तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। फिर देर क्यों करती है, पटाओ उसे। पटाओ? अरे दादाजी आपका आशीर्वाद साथ है तो वो तोता, मेरा मतलब है पोता, बच के जाएगा कहाँ, पटा के ही रहूंगी उस मियां मिट्ठू को। देखो 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 उसे। मैं कहता था ना ये बहुत चालू लड़की है, सीधे दादाजी को लाइन मार रही है। हाँ क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, जब ये मेरे पति की तस्वीर देखकर इस तरह नाच रही है तो वो जिंदा होते तो उन्हें लेकर भागी जाती। शालू शर्मा बेशर्मा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। सेठ जी बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, निराश मत कीजिए, दया कीजिए। क्या बात कर रहे हो अमर बाबू, भाई साहब ने बताया है कि जो कर्ज आपने लिया है उसका असल तो क्या, ब्याज भी नहीं दे रहे हो। मैं कोर्ट नोटिस लेकर आपके घर आने वाला हूँ, बात समझ आई अमर बाबू? चलो मेरे साथ। क्यों? देखो ये ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट है, कुछ काम है तुम्हारे साथ, कम ऑन प्लीज। चलो ड्राइवर आओ। राजा ये तो अमीरों के शौक का खेल है, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? अमीर बनाने के लिए। वैसे इस खेल का अपनी जिंदगी से बहुत करीब का रिश्ता है। ये जो लाल बॉल नजर आ रहे हैं ना, ये आम लोग हैं तुम्हारी तरह, और ये जो पिंक ब्लू ब्लैक ब्राउन ग्रीन और येलो बॉल्स हैं ना, ये समाज के इज्जतदार लोग हैं मेरी तरह। बाकी रहा ये सफेद बॉल, इन सारे बॉल्स में से किसी को भी हटाने या कहीं भी भेजने की ताकत सिर्फ इस सफेद बॉल में है, और वो सफेद बॉल हम हैं। इसे सफेद बॉल नहीं, क्यों बॉल कहते हैं? अच्छा, और इसे क्यों कहते हैं? इसमें इतनी ताकत होती है कि यह सबसे ज्यादा ताकतवर इस क्यू बॉल को भी जहां चाहे जिस कॉर्नर में चाहे भेज सकता है। और यह क्यों मैं हूं। शाबाश सक्सेना, शाबाश, बहुत काम का आदमी लाए हो, ऐसे काम के आदमियों को मैं बहुत पसंद करता हूं। मैं भी बहुत पसंद करता हूं। तुम्हारे जैसे आदमी को हम लोग आंखें बंद करके काम पर रख लेते हैं, और हम हर काम की कीमत भी अच्छी देते हैं। धमकी देने का 1,000, मारामारी करने का 5,000, हाथ पैर तोड़ने का 15,000, आखून करने का 50,000। मतलब आप मुझे गुंडे की नौकरी दे रहे हैं? नहीं, गवर्नर की। अरे गुंडे की ही है, लेकिन ऐसे वैसे की नहीं, A1 फर्स्ट क्लास गुंडे की।
आराम से रहोगे, इज्जत से जियोगे, चार लोग तुम्हें सलाम करेंगे, और क्या चाहिए तुम्हें? बस मेरे कुछ उसूल हैं, मैं धमकी नहीं देता। चलेगा। मारामारी करता हूं, मगर जब किसी गरीब का हक छीना जाता है तब हाथ पैर भी तोड़ता हूं, मगर जब किसी मजबूर के साथ नाइंसाफी होते देखता हूं तब। और रहा सवाल खून करने का, वो मैंने आज तक नहीं किया, मगर करूंगा। कब? जब इन जैसे पुलिस वाले तुम जैसे गुंडों के साथ मिलकर इस राज को गुंडा राज बनाने की कोशिश करेंगे तब। तुम बंदूक से थोड़े ज्यादा हो, तोप से थोड़े कम। नहीं सक्सेना, नहीं, ये आदमी काम का नहीं है। राजा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, किससे कह रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कानून के रखवाले होकर गुंडों का खात्मा करने की बजाय देश के बेरोजगार नौजवानों को गुंडा बना रहे हो। पति खुद अपनी पत्नी को बाजार में बेचा है, उससे भी घटिया और गिरा हुआ काम किया है तुमने। राजा, डोंट शाउट, शेम ऑन यू। तुम्हारे सारे आदमी औरतों से थोड़े ज्यादा हैं, मर्दों से थोड़े कम, तुम्हारी तरह। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस लड़के को अपने हाथों में लेना ही होगा, फिर चाहे ये प्यार से माने या मार से। हे दादी, क्या हुआ? भैया, क्या बात है? भाभी, सब लोग क्यों खामोश हैं? अब आखिर बात क्या है? बड़े भैया, लिखते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर मजबूर हूं। इम्तिहान बस अब सर पर ही हैं, दो चार रोज में पैसे नहीं मिले तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरे लिए आज तक जो भी आप लोगों ने किया है वो बहुत है। पैसों का इंतजाम ना हो सके तो मेरी फिक्र मत करना, लेकिन ऐसी सूरत में मैं वापस आकर आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहूंगा। आपका रवि। बड़े भैया, तुम तो जानते हो राजा, हमारा रवि कितना जज्बाती है। ऐसी सूरत में वो कहीं खुदकुशी न कर बैठे। अरे राजा, वो दीपक गया तो दीपक अपने साथ कॉलेज में पढ़ता था, वो लंबू मोटरसाइकिल वाला। हाँ वही, 20-25 हजार उसे मांगेंगे तो मना नहीं करेगा, लाखों रुपए कमा रहा आजकल। अरे अरे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और वो एक्सीडेंट मेरी बेटी ने किया, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? उस हादसे को मेरे अलावा और भी बहुत से लोगों ने देखा है, और सबूत मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कहां पहुंचाए जाते हैं और कैसे। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप अंदर आइए। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, एक्सीडेंट मेरी बेटी ने ही किया है, लेकिन ये सारे घर की सजावट देख रहे हैं आप? कल मेरी उसी बेटी की शादी है, और इकलौती बेटी है मेरी वो। अगर पुलिस को पता चल गया तो कल मेरी बेटी शादी के मंडप की बजाय हवालात में दिखाई देगी। ये शादी तो रुक ही जाएगी, लेकिन ये रिश्ता भी टूट जाएगा, और उसका घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा।
वो तो ठीक है, लेकिन उस आदमी का क्या होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है? मैं उस आदमी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। उसके अस्पताल का सारा खर्चा मैं करूंगा, उसके ऊपर वो जो मांगेगा मैं दूंगा। अपनी बेटी का सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा और मैं खुद जेल चला जाऊंगा। कन्यादान कौन करेगा? तमाम गवाहों के बयान के मुताबिक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राजा की लापरवाही की वजह से ही एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अपाहिज हुआ है। अदालत राजा को इस हादसे का जिम्मेदार मानते हुए मुजरिम ठहराती है और सेक्शन 348 आईपीसी के तहत 6 महीने कैद की सजा सुनाती है। जेलर साहब बुला रहे हैं। सर, सर आपने मुझे बुलाया? सर आप? एक जेलर होते हुए मैंने जो हरकत की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा यकीन मानो राजा, अगर मेरी बेटी के भविष्य का सवाल ना होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। पुरानी बातों को छोड़िए सर, ये बताइए निशा खुश तो है ना? बहुत खुश है, और ये खुशियां उसकी झोली में तुम ही ने डाली है। सर आपने भी जो मेरे लिए किया है वो? कुछ नहीं किया है, जो तुमने मेरे लिए किया है ना उसके सामने कुछ नहीं किया है। भगवान ने इतनी छोटी उम्र में तुम्हें इतना बड़ा दिल दिया है, ये चाहता है तुम्हें गुरु मान लूं। सर आप मुझे गुरु? हाँ गुरु। गुरु, गुरु से मिलने आई हो? क्या लगती हो उनकी? गुरुनी। गुरुनी? ओफो, तुम इतना भी नहीं समझते। मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी? क्या कहा तुमने? तुम हमारे गुरु की पत्नी हो? अरे वाह, अरे बेटी तो तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, बैठो ना, आओ आओ यहाँ बैठो, आओ बैठो, आराम से बैठो। अरे भाई मुंह क्या देख रहे हो, जाओ कुछ ठंडा गरम चाय कुछ ले आओ। जी अभी लाया। लेकिन बेटी। जी अंकल। गुरु तो कह रहे थे कि वो कुंवारे। एक तरह से वो कुंवारे जैसे ही हैं। हम दोनों ने शादी तो कर ली, मगर अफसोस अभी तक सुहागरात मनाने का मौका ही नहीं मिला। उस रात मैं अकेली स्टेज पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आए। और जब सुबह हुई तो पता चला कि वो किसी एक्सीडेंट के जुर्म में हवालात में बंद हो गए हैं। अब एक तरह से वो कुमारी जैसे ही हुए ना। गुरु, जब तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला। ये लो चाबी, और जाके अपने पति से आराम से इत्मीनान से चाहे जितनी बातें करो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मगर अंकल अपनी नई नवेली दुल्हन को यहाँ देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा? हो सकता है वो चीखे चिल्लाए, मगर उनकी आवाज सुनकर आप वहां मत आ जाना, वरना उन्हें मनाने का मौका ही नहीं मिलेगा मुझे। नहीं 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 बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम कान होते हुए भी हम लोग सब बहरे हो जाएंगे। हाँ, और जब तक तुम्हारे चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी ना, हम में से कोई वहां कबाब में हड्डी बनने के लिए नहीं आएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हे भगवान, ये लड़की सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सच है? तुम शालू शर्मा? बचाओ! जेलो साहब, जेलो साहब! अरे कोई है? अरे हवलदार देखो, ए, ए, रुको रुको हवलदार, जेलो साहब, कोई वहां मत जाना। अरे बचाओ, जेलर साहब बचाओ प्लीज। ऐसे जोर जोर से चिल्ला के कोई फायदा नहीं, तुम्हारी आवाज सुनकर भी कोई नहीं आने वाला। एक रफाड़ा मारूंगा तुम। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, ये तो सोचो, मैं इतने दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आई हो? चुम्मा लेने।
चुम्मा? क्या चुम्मा? हाँ, तुम्हें चुम्मा भी नहीं मालूम? इंग्लिश में किस और हिंदी में पप्पी। चाबी, चाबी तुम्हारे पास? चाबी दो। अरे चाबी दो। चलो बाहर निकल। क्या कर रहे हो गुरु, क्या कर रहे हो? क्यों बरस रहे हो बेचारी पे इतना? कोई पत्नी के साथ ऐसा सुलूक करता है क्या? पत्नी? कौन पत्नी? किसकी पत्नी? कैसी पत्नी? अरे जेलर साहब, आपका दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अरे इससे मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। नहीं प्लीज, ऐसा मत कहिए। अंकल जी, अंकल जी, आप ही बताइए ना, कोई भी हिंदुस्तानी नारी किसी गैर आदमी का हाथ पकड़ कर मेरा पति कहेगी क्या? ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं कहेगी। जेलर साहब, आप इसकी बातों मत आइए। देखो गुरु, एक हिंदुस्तानी लड़की है ना, इस किस्म की बातें हरगिज अच्छा, नहीं करेगी। अगर ये सच कह रही है तो इसे अपना मंगलसूत्र दिखाने के लिए कहिए। हाँ, दिखा गुरु। बेटी दिखा दो। मेरा मंगलसूत्र? हाँ, आज मॉर्निंग ना नहाते वक्त ना मैं बाथरूम में भूल गई। बाथरूम में भूल गई? कोई बात नहीं, अगर ये मेरी पत्नी है तो इसकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं पूछिए? सिंदूर? सिंदूर की डिब्बी भी उसी बाथरूम में भूल गई है ना? वही वही वही। एक ना परम पावन। अंकल देखिए ना ये मुझे। अंकल सब समझ गए हैं? समझ गए हाँ। अंकल को तुम चूना लगा रही हो। करेक्ट। हाँ। यूं जज्बात में बहाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, समझे? निकलो यहाँ से। शाबाश गुरु, निकलो यहाँ से, वरना वरना। मेरा नाम मृणाल चटर्जी है और मैं उस जेल का जेलर हूँ जहाँ तुम्हारा छोटा भाई राजा 6 महीने की सजा काट रहा है। 25,000 का ये ड्राफ्ट भेज तो मैं रहा हूँ, मगर ये पैसे राजा के हैं, उस कुर्बानी के हैं जो उसने तुम्हारी खातिर दी है। दादी। राजा, राजा मार मुझे, मुझे तू भी गालियां दे। उस रोज क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे। अरे तूने इतना बड़ा हमारे लिए काम किया और मैंने तुझे कितनी गालियां दी। अरे दादी माँ, क्या कह रही हो तुम? ऐसा कौन सा काम किया है मैंने? अपने भाई को सूट में देखने के लिए तूने कह दियो कि ये वर्दी पहन ली और पूछता है कि मैंने क्या किया। राजा, भाभी। राजा। राजा, सबसे छोटे होकर भी तूने सबसे बड़ा काम किया। मेरी नजरों में तू बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है भैया। राजा, अरे पप्पू मुन्नी, कैसे हो तुम लोग? आओ मेरे पास। ए, मुझे भी एक पप्पी दो ना, जल्दी जल्दी, मैं कब से बेताब हूँ। कम ऑन, इससे पहले कि कोई देख ले। कम ऑन जल्दी, कम ऑन। अच्छा अच्छा, खड़े खड़े, गुड 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 गुड। तू फिर यहाँ आ गई? चल यहाँ से निकल। जेलर साहब, ये हमारे साथ है। बेटे, अब हम चलते हैं। अच्छा दादी। जेलर साहब, हमारे राजा का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस यूं समझिए जेल में नहीं अपने घर में है। थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा राजा, हम चलते हैं। आइए। बाय बाय चाचा। शालू, तुम इनके साथ नहीं जाओगी? मेरे साथ यहीं रहोगी? वेरी गुड, थैंक यू। एक दफा मरवा, चल निकल बाहर। चल। नमस्कार, मेरा नाम शांति प्रसाद दंगा, एमएलए। लेकिन आप लगते हैं दंगे से थोड़े ज्यादा, शांति से थोड़े कम। शक्ल ही कुछ ऐसी है सरकार। तेजपाल साहब, अगर आपके और मेरे बीच में ये सौदा तय हो गया, मैं मरवा दूंगा। किसे?
अपने आप को? नहीं नहीं अपने आप को नहीं, एक एमएलए है, बहुत अच्छी औरत है, इसलिए बुरी लगती है मुझे। इंदु मल्होत्रा की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मगर उसके होम मिनिस्टर बनने के चांसेस मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर उसका मर्डर किया जाए तो होम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए मैं अकेला कैंडिडेट बचता हूं। होम मिनिस्टर बनते ही मैं अपनी सारी स्टेट आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। वो सब बात की बातें हैं। हाँ। इस काम के हम 50 लाख रुपए लेंगे। हाँ ठीक, मैं देने के लिए तैयार।